यूनिट 5 स्पोर्ट्स इंडिया विंस द T20 वर्ल्ड कप। मैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ। आप लोग पेन पेंसिल बुक निकाल कर बैठे और जो मैं करा रहा हूँ उसको देखते रहें। तो चलते हैं। पहला, रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़ना है और समझना है। टिक द करेक्ट आंसर, जो सही है उसमें टिक मारना है। पहले, द फाइनल ऑफ द इनलैंगुअल ICC वर्ल्ड T20 वॉज हेल्ड इन, इसका आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। सेकेंड नंबर, बिटवीन विच टू कंट्रीज वॉज द फाइनल प्लेट, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया एंड पाकिस्तान, ये वाला हो जाएगा। अब एक का तीन नंबर, एट द एंड ऑफ 20 ओवर इंडिया वेयर, यानी कि 20 ओवर के जब खत्म हुआ तो भारत कितना पर कितना था, तो आंसर हो जाएगा 157/5 विकेट्स। द टॉप स्कोरर फॉर पाकिस्तान वॉज मिसबाहुल हक। वॉज एट जस्ट द मैन ऑफ द मैच, इसका आंसर हो जाएगा इरफान पठान को मैन ऑफ द मैच उस मैच का दिया गया। अब चलते हैं बी नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स। इन 2007 ICC T20 वर्ल्ड कप वॉज प्लेड इन वांडरर्स स्टेडियम इन जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग में ये T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था वांडरर्स स्टेडियम में। द ओपनिंग बैट्समैन फॉर इंडिया वॉज गौतम गंभीर एंड यूसुफ पठान। गंभीर मेड 75 फ्रॉम 54 बॉल्स विच इंक्लूड 8 फोर्स एंड 2 सिक्सेज। फोर्थ नंबर, एस श्रीशांत कंसीडर 21 रन इन हिज ओपनिंग ओवर। ओपनिंग ओवर में श्रीशांत ने 21 रन दिए थे। द फाइनल ओवर ऑफ द मैच वॉज बॉल्ड बाई जोगिंदर शर्मा, यानी कि उस T20 मुकाबले का अंतिम ओवर जोगिंदर शर्मा द्वारा किया गया था। अब चलते हैं सी नंबर, विच टीम डिड इंडिया एंड पाकिस्तान बीट टू रीच द फाइनल ऑफ द ICC वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप, यानी कि इसमें कौन से दो टीम को भारत और पाकिस्तान हराकर फाइनल में पहुंचा था। तो इंडिया साउथ अफ्रीका को हराया था और पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हराकर T20 में पहुंचा है। By how many runs did India beats Pakistan to win the 2007 T20 World Cup? 2007 के World Cup में भारत पाकिस्तान को कितना रन से हरा कर विजेता बना, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 runs, यानी 5 रन से हरा कर। Who was the star batsman for India and how many runs did he make? इस मैच का स्टार बैट्समैन था गौतम गंभीर, जिन्होंने 75 रन बनाए 54 बॉल खेलकर। बिसाइड गौतम गंभीर विच अदर इंडियन बैट्समैन प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इंडिया गेटिंग द टोटल ऑफ 157, तो इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था। हु प्लेड द एंकर्स रोल फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान का एंकर रोल कौन प्ले किया, तो मिसबाहुल हक ने रोल प्ले किया था। अब चलते हैं डी नंबर, रीड दीज लाइन्स एंड एंसर द क्वेश्चन डैट फॉलो, यानी कि इन लाइनों को पढ़ना है और जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर करना है। एंड ही ऑलमोस्ट डिड, हु इज ही इन द अबव सेंटेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा MS धोनी। वाट डिड ही ऑलमोस्ट डू, वो हमेशा क्या करता है, ही कॉल्म डाउन इन टेंस सिचुएशन। MS धोनी बहुत ही टेंस सिचुएशन में भी वो ठंडा होता है, यानी कूल होता है। It is one of the things I will treasure for the rest of life. ये किसने बोला था, who said this words, तो इसका आंसर हो जाएगा MS धोनी। अब बी नंबर चलते हैं, when were these word uttered, यानी कि ये शब्द कब बोले गए थे, after historical wins, यानी कि ऐतिहासिक जीत के बाद ये शब्द बोले गए थे, जब MS धोनी ने वर्ल्ड कप जीत लिया। उसके बाद चलते हैं ई नंबर, आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल, इसका जवाब पूरा डिटेल में देना है। तो आप लोग पेंसिल उठाइए और मैं जहां लेकर चलता हूं वहां चलिए और इसको कलर कीजिए। हाउ वाज विनिंग द ICC T20 वर्ल्ड कप सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया, यानी कि भारत का T20 वर्ल्ड कप जीतना क्यों महत्वपूर्ण हो गया था, इसका आंसर है ई का वन नंबर। इसका वो ई का वन नंबर यहाँ पर है, फर्स्ट पेज में आइएगा तो ये हो जाएगा। जल्दी है, अभी तो लोड ले रहा है। हाँ, ई का वन, द विक्ट्री इज सिग्निफिकेंट एज इट इज द इंडियन क्रिकेट टीम
first major trophy in the limited over version since India's 93 World Cup victory. यानी कि ई का एक नंबर यहाँ हो जाएगा. अब चलते हैं ई का दो नंबर. हाँ तो ई का दो नंबर ये रहा. डिस्क्राइब द बैटिंग ऑफ इमरान नजीर. इन वाज हिज विकेट द टर्निंग पॉइंट. इमरान नजीर के बैटिंग को डिस्क्राइब करना है. चलते हैं ई का टू नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर चलते हैं. ये क्या है, ये ई का फोर नंबर है. ये रहा ई का टू नंबर. ये रहा ई का टू नंबर इमरान नजीर वाला. ही मेड ए ब्लिस्टरिंग 33 रन्स फ्रॉम 14 बॉल्स. दिस इंक्लूडेड टू फोर्स एंड टू सिक्सेज इन सुशांत एक्सपेंसिव ओपनिंग ओवर. उसके बाद आप लोग लिखिएगा इमरान नजीर वॉज रन आउट बाई रॉबिन उथप्पा विच वॉज टर्निंग पॉइंट इन द मैच. इट स्टार्टेड अ ब्रीफ कोलैप्स विथ द विकेट्स ऑफ यूनिस खान, शुएब मलिक एंड यासिर अराफात पुटिंग पाकिस्तान एट 76-77 फॉर 6 विकेट. सबसे पहले ये वाला दो लाइन लिखिएगा और उसके बाद ये वाला यहाँ से लेकर जो मैंने टिक मारा है यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा ई का टू नंबर. अब चलते हैं ई का थ्री नंबर. हाँ तो ये रहा ई का थ्री. क्या कह रहा है, इन व्हाट वे डिड मिस बाहुल हक प्ले द एंकर रोल फॉर द पाकिस्तान. एंकर रोल मिसबा ने उस मैच में प्ले किया था उसी के विषय में किस तरीके से किया था रोल लिखना है. इसका आंसर हो जाएगा ही स्मैश्ड ऑल बॉलर्स एंड बॉट क्लोजर टू द विक्ट्री. थर्ड नंबर का यही आंसर हो जाएगा. अब चलते हैं फोर्थ नंबर. डिस्क्राइब द फाइनल ओवर ऑफ द मैच. जो मैच का जो अंतिम ओवर था उसको डिस्क्राइब यानी कि वर्णन करना है यानी ई का फोर नंबर. अब चलते हैं ई का फोर नंबर यहाँ पर हो. चलिए यहाँ है, कहाँ गया, हाँ ई का फोर नंबर. धोनी डिसाइडेड टू पुट हिज फेथ इन द यंग पेसर जोगिंदर शर्मा. इट वॉज अ बैड स्टार्ट फॉर जोगिंदर. द फर्स्ट बॉल वॉज ए वाइड, सेकेंड वॉज फुल टॉस वॉज स्मैश्ड फॉर ए सिक्स बाय मिसबाह. इसका हो जाएगा. इसके बाद द पाकिस्तान फैंस एट द ग्राउंड वेयर जुबिलियंट एंड इंडियन सपोर्टर क्रेस्ट फॉलन. स्कीपर MS धोनी कम ऑल द वे डाउन फ्रॉम द विकेट कीपर एंड टू हैव लॉन्ग चैट विथ जोगिंदर एंड स्तुति ही इज नॉट सून अ कंपोस्ट जोगिंदर कम इन टू बॉल द नेक्स्ट डिलीवरी मिसबा वॉल्ट अक्रॉस द हिज स्टंप टू पैडल हिम टू फाइन लेग. इसके बाद हो जाएगा वंस फाइन लेग पर शॉट मारा. शॉट मारने के बाद सुशांत टूक द कैच. द एक्सपेक्टेटर एट द वांडरर्स वेंट बेसर्क. इंडिया वन द बाई 5 विकेट्स. यानी कि ई का फोर नंबर ये हो जाएगा. अगर कोई मेरी वीडियो से समस्या है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं. तो मिलते हैं एक और नए चैप्टर में. नहीं इसके बाद ये देख लेते हैं, इसका कुछ ग्रामर स्पोर्ट है वो भी देख लेते हैं. ये हमारे सिंपल प्रेजेंट, पास्ट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट परफेक्ट. सिंपल प्रेजेंट यानी V1, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी ING फॉर्म, परफेक्ट यानी अगर प्रेजेंट में हैज हैव रहेगा और पास्ट में हैड रहेगा. यहाँ तक कुछ नहीं करना है ग्रामर में. हाँ ये रहा फिल इन द ब्लैंक्स. Fill in the blanks with suitable verbs in appropriate tense to complete the tense. में suitable verb भर देना है. She always came all her friends to her birthday party. Our USA best cousin never settled us due to some misunderstanding between us. My parents always want my grandparents to eat before they arrive. Mohan is a habitual late sleeper. My grandma regularly watched her favorite TV serial Mahabharat. The chief guest was speaking about moral value at the
बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम सॉरी सॉरी आई एम डूइंग माई होमवर्क राइट नाउ आई डू नॉट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस वेन आई एम बिजी विथ माई स्टडी. 8 नंबर ऑल लिविंग क्रिएचर नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव वाट आर द चिल्ड्रेन डूइंग दे आर लाफिंग सम पीपुल शूट ब्लॉग रेगुलरली ऑन द करेंट इशू. उसके बाद आगे चलते हैं. इसके बाद ये फ्यूचर टेंस में होगा. नहीं ये खत्म हो गया. अब आगे के नेक्स्ट चैप्टर है ये वाला द पीसफुल गेम. इसके विषय में मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा. तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. बाय बाय. टेक केयर.